सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज. अभी काइनेटिक थ्योरी जो है वो आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में एक्चुअली इंक्लूडेड रहेगा, जहां पर गैसेस स्टेट के बारे में एक्चुअली स्टडी करना है. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो एक्सप्लेन करता है एवरीथिंग अबाउट अ गैस. कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल जो है उसका मूवमेंट कैसा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, उसके अंदर ब्राउनियन मोशन होगा या नहीं, देन ओवरऑल एनर्जी क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी, एंड एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गैस इज टोल्ड और एक्सप्लेन इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगे ना तो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत एक अच्छा खासा पेज पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है विद एवरी फॉर्मूला. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन और आई बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट एवरी थिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो ये कुछ पांच इंपॉर्टेंट मैंने अजम्पशंस लिखे हुए हैं काइनेटिक थ्योरी के. ये अजम्पशंस मोस्टली ट्रू भी पाए गए हैं अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर आप इस चीज को देखोगे तो. बट वील ट्राई टू डिस्कस ऑल दीज फाइव अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑल्सो जो दिया हुआ है. वील टॉक अबाउट बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट ऑल्सो, वील टॉक अबाउट टेम्परेचर कैसे उसके साथ डायरेक्टली है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देन वील टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट इज लाइक नंबर ऑफ मोल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू एवरीथिंग. मॉलिक्यूल्स कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, अदर देन दैट उसके अंदर मोलर मास का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सबके सब हम लोग फॉर्मूला के थ्रू स्टडी करेंगे. अब पहले इन सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं या फिर इन सबको पहले एक बार चेक कर लेते हैं. बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश की है लिखने की. सो पहला लिखा हुआ है नो डेफिनेट वॉल्यूम बट डेफिनेट मास इज गिवन. अब एक सिंपल एग्जांपल अगर लिया जाए, सपोज अगर यही मैं एक जार लेती हूँ, ठीक है, सपोज दिस इज अ जार, तो इसके अंदर जो भी गैसेस फिल्ड है, इसके अंदर जो भी गैस फिल्ड होगा, ये जो वॉल्यूम अक्वायर करेगा, ये वॉल्यूम इस पूरे के पूरे कंटेनर का होगा. तो हम नहीं बता सकते हैं कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना. सपोज अगर मैं इस जार को ओपन अप कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस जार को ओपन कर दूंगी तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा गैसियस मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेगा, बाजू बाजू के पूरे एयर को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा. सो टेक्निकली वी डोंट नो द वॉल्यूम, हम लोगों को उसका वॉल्यूम नहीं पता कि वो कितना एक्वायर कर रहा है, बट हाँ उसका मास हम पता कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स दैट हैव बीन टेकन ऑफ द गैसेस. तो वॉल्यूम नहीं पता चल सकता, इट्स नॉट वॉल्यूम स्पेसिफिक बट इट इज मास स्पेसिफिक. एंड सेकंड दिया हुआ है इट अंडरगोज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और रिपल्शन बोथ ऑकर्स. कैसे होता है देखो, ये रहे गैसेस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होंगे और एक ही दूसरे से रिपल्शन भी दिखाएंगे, ठीक है, रिपल्शन भी दिखाएंगे. अगर अट्रैक्ट होंगे तो साथ में आएंगे और साथ में आने की वजह से क्या होगा, उनका न्यूक्लियस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड देन दे विल एक्सपीरियंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन ऑल्सो. तो वो तो एक न्यूक्लियर है, वो तो एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के लेवल की बात हो गई. बट जब आप किसी भी गैस को देखते हो तो क्योंकि इनके बीच में एक इलास्टिक तरीके का कोलिजन होता है, अब वो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये भी कवर हो जाएगा साथ साथ. इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है ना कि अगर कोई भी सेम, सपोज चलो इमेजिन कर लो, इमेजिन करो दो ट्रक हैं, सेम चीजें कैरी कर रही हैं, सेम नंबर ऑफ व्हील्स हैं, सेम तरीके का ड्राइवर है, सेम स्पीड है, सब कुछ सेम है, तो उनका मोमेंटम सेम रहेगा. और अगर मोमेंटम सेम रहेगा तो वो दोनों चीजें जब आके टकराएंगी तो जब टकरा के पीछे जाएंगी तो दोनों के दोनों सेम स्पीड सेम डिस्टेंस से पीछे जाएंगी, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो गई है, दोनों में इक्वली ट्रांसफर हुई है, कोई भी एक ज्यादा डिस्प्लेस नहीं हुआ है दूसरे के कंपेरेटिवली. तो दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन. तो जब दो गैसेस गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं तो टकराने की वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, कोलिजन की वजह से पीछे जा रहे हैं. तो वो कोलिजन क्यों हो रहा है, एक तो पास क्यों आ रहे हैं, पास आ रहे हैं क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं गैसेस एक दूसरे से, तो अट्रैक्शन का पॉइंट यहाँ पर खत्म हो रहा है. और जैसे ही पास आ रहे हैं वैसे ही इनको समझ में आ रहा है दैट देयर इज अ कोलिजन ऑकरिंग बिकॉज द मास ऑफ द गैस इज सिमिलर एज वेल एज द टाइप इज ऑल्सो सिमिलर, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो गया, रिपल्शन का भी फोर्स इंक्लूड हो जाता है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन तो इतना इजी मोशन है, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता कि ब्राउनियन ने ये डिस्कवर जो किया वो कितना अच्छा डिस्कवरी था. लाइक आप लोगों को भी वो थोड़ी हंसी आ जाएगी, बट ब्राउनियन मोशन का मतलब किसी भी चीज का जिगजैग मूवमेंट. तो किसी भी कंटेनर में अगर गैस है, सपोज जिस रूम में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अगर इसी रूम में गैस मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे तभी आई कैन ब्रीथ. सो द मूवमेंट ऑफ गैस इज वेरी जिगजैग, देयर इज नो व्हाट वी कैन से, देयर इज नो पाथ टू द गैस इन दिस पर्टिकुलर रूम अंटिल एंड अनलेस आई गिव. सो तो रैंडम मोशन है एंड दैट रैंडम मोशन इज कॉल्ड एज नथिंग बट द ब्राउनियन मोशन. बहुत ईजी है, बस इतना समझ लेना है कि जिगजैग मूवमेंट है, रैंडम जिगजैग मूवमेंट है. उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम गैस एट सेम टेम्परेचर विल बी सिमिलर.
मतलब कि अगर आपके पास यही रूम की बात की जाए, तो अगर इसी रूम में टेम्परेचर अगर सेम रखती हूँ, जैसे कि अभी है समथिंग अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस है अभी राइट नाउ, सो अगर इतना टेम्परेचर इस रूम में रखा जाए तो एवरी गैस इज गोइंग टू हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. सेम टेम्परेचर है तो सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, नो मैटर अबाउट द गैसेज, नो मैटर अबाउट द गैसेज. एज राइट नाउ आई एम ब्रीदिंग ऑक्सीजन, आई एम गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के दोनों अलग अलग गैसेज है ना ऑब्वियसली. अगर मैं ऑक्सीजन ब्रीथ कर रही हूँ जो कि ऐसा दिखता है, और CO2 मॉलिक्यूल है जो कि ऐसा दिखता है, इनके मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस है ना, मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस है तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज दे आर इन द सेम टेम्परेचर. और सेम टेम्परेचर में इनका प्रेजेंस होने की वजह से एक कह सकते हैं कि एक एवरेज जो है वो ऐसा आ जाता है कि एवरी गैस इज गोइंग टू हैव द सेम टाइप ऑफ व्हाट वी कैन से वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी. अब फॉर्मूला लिखते हैं, मैं इसको मिटाऊंगी डोंट वरी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. तो ये प्रेशर से कैसे रिलेट होता है पूरा का पूरा. सो पहले मैं एक काम करती हूँ काइनेटिक एनर्जी का, नहीं तो फिर मैं ये फॉर्मूला लिख देती हूँ. सो पी इक्वल्स टू एन एम वी स्क्वायर अपॉन 3 kT, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 3V, वी बार है, वी बार है, फाइन. जहां पर पी का मतलब है प्रेशर, ठीक है, पी का मतलब है प्रेशर, वी का मतलब है वॉल्यूम, एम का मतलब है मोलर मास, मोलर मास, और एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नहीं, मोलर मास नहीं है, ये मास ऑफ द गैस इंक्लूड कर लो इसको, मास ऑफ द गैस, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे तो मोलर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो एंड नाउ वी बार या फिर वी बार स्क्वायर का मतलब है मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ये तुम्हारा मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए है कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस गैस का मोशन किस तरीके का है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए. अदर देन दैट, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का एज यूजुअल फॉर्मूला रहेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, जहां पर एम है मास एंड वी है वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. मास एम का भी मतलब है मास ऑफ दी गैस, जिसको अगर आप लोग थोड़ा और कन्वर्ट करोगे ना तो वो कैसे निकल के आता है, इट इज नथिंग बट 3/2 kT, जहां पर K का मतलब है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T का मतलब है टेम्परेचर, ठीक है. सो ऐसे अगर आपको अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है और अगर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए दी हुई है, और अगर आपको टेम्परेचर सपोज नहीं पता, ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है जब वो टेम्परेचर नहीं बोलता है बट सिंपली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ब्रैकेट में दे देता है, एंड देन दे टेल यू टू कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड और एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको आप अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो आता है 298 केल्विन. अगर क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो 298 केल्विन देता है, तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो पता है एक्चुअली स्टैंडर्ड टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है. Now, is there anything that needs to be understood? I guess yes. So, pressure का बहुत अच्छा effect होता है. अगर आप pressure बढ़ाएंगे तो gases क्या होते हैं? Compress होते हैं. और compress अगर होंगे तो क्या होगा? उसका volume क्या होगा? Decrease हो जाता है. तो यहाँ पर देखो, उसने volume और pressure का inversely proportional relationship दिखाया हुआ है. Other than that, I guess kinetic theory of gases जो है वो इसके अंदर अच्छा खासा combine किया हुआ है. So, this is all about kinetic theory of gases. इसका application क्या है? To learn a lot about gaseous behavior अगर एक बार समझ में आ जाता है ना तो उस गैस की प्रॉपर्टीज को पता करना बहुत आसान है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यू गैस डिस्कवर होती है, let's say, अभी तो पीरियडिक टेबल भर चुका है हमारा, let's say, एक और गैस अगर डिस्कवर होती है इन द एटमोसफेयर इन द अर्थ, और अगर हम लोगों को स्टडी करना है कि उसका पैटर्न क्या है, उसका बिहेवियर क्या है उस गैस का, तो इन assumptions को लेकर इन formulas के हिसाब से calculations किए जाएंगे, एंड देन इट विल बी अंडरस्टूड वेदर द मतलब गैस का बिहेवियर किस तरीके का एक्चुअली है. So applications काफी अच्छे हैं इसके. So this is everything about the kinetic theory of gases.